तो हेलो दोस्तों, तो ये जो टूल है गोरोडू जावा, तो इस टूल को मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पूरा आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन और इसका भी पूरा यूज, इसमें जो आप टूल को यूज करोगे वो सारा मैं प्रोसेस बताऊँगा। तो टूल को सबसे पहले यहाँ पे एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने के बाद इस तरफ इंटरफेस आएगा, ये इसका सेटअप। सेटअप को आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद येस कर देना है। येस करने के बाद इस तरफ इंटरफेस आएगा, तो यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट और यहाँ पे इंस्टॉलेशन पासवर्ड आएगा। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड आएगा तो आपको, मैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको इस वाला पोस्ट पे आ जाना है। पोस्ट पे आने के बाद यहाँ पे आपको सबसे नीचे आना है। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे डाउनलोड 1, डाउनलोड 2, डाउनलोड 3, डाउनलोड 4 और यहाँ पे इसका जो है पासवर्ड है। तो ये पासवर्ड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। पासवर्ड कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है आपको। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको चेक मार्क लगा रहना देना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ और इंस्टॉलेशन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है इंस्टॉल होने लगा है। तो ये इंस्टॉल होने में थोड़ा ही आपको टाइम लेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉल होके एक आइकन बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे फिनिश में क्लिक कर देता हूँ और ये आ चुका है इसका जो आइकॉन है, तो ये आ चुका है। तो इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और ये रन एंड एडमिनिस्ट्रेटर पे यस कर देता हूँ। तो यस करने के बाद इस तरफ टूल जो है ओपन होके आ चुका है। तो टूल आप देख सकते हैं इस तरफ टूल जो है आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर जो दिया गया है यूनिवर्सल, तो ये यूनिवर्सल जो है आपका जो भी मीडिया टेक सीपीयू है, तो इसमें आप रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे रीड कर सकते हो, बूट लोडर अनलॉक कर सकते हो, रीलॉक कर सकते हो, इरेस FRP कर सकते हो, जितना भी मीडिया टेक सीपीयू है। तो यहाँ पे सैमसंग का भी, यहाँ पे इरेस FRP सैमसंग का भी कर सकते हो। तो यहाँ पे रीड इन्फो ले सकते हो, रीड बैकअप। तो यहाँ पे मीडिया टेक में इतना सारा सपोर्ट दिया गया है। तो MI में चलते हैं। तो MI में आने के बाद तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका मॉडल है, तो मान लीजिए जो भी आपका मॉडल है मीडिया टेक का, तो यहाँ से आपको मॉडल को चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको फैक्ट्री रीसेट, यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस वाला ऑप्शन पे भी आके सेव फॉर्मेट, मतलब यहाँ पे बहुत सारा आप ऑप्शन पे कर सकते हो। वीवो पे चलते हैं। वीवो पे आने के बाद आप यहाँ पे वीवो का जो भी मॉडल है, यहाँ पे आपको मॉडल सिलेक्ट करना है। मॉडल सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो फॉर्मेट डाटा इरेस FRP, मतलब इसके अंदर जो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मान लीजिए आपका ये मॉडल है, यहाँ पे आपको फॉर्मेट डाटा पे क्लिक करना है, या तो इरेस FRP पे क्लिक करना है और वॉल्यूम अप डाउन दबा के आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टर्न ऑफ फोन होल्ड वॉल्यूम प्लस एंड माइनस टू इंसर्ट डाटा केबल। तो यहाँ पे आ चुका है। तो आपका जो भी मॉडल है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। ये आपका क्वेलकॉम का नहीं, जितना मीडिया टेक चिपसेट है उसी का यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है। क्वेलकॉम का इस पर नहीं है, जो भी मीडिया टेक है वो सारा इस पर सपोर्ट है। तो आपको वॉल्यूम अप डाउन दबा के यहाँ पे फ़ोन को कनेक्ट करना है, जो भी है आपका FRP है, या तो आपको वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट करना है। और यहाँ पे आपको दिया गया है सेव फॉर्मेट करना है, तो इसके अंदर सारा दिया गया है। तो ओप्पो में चलते हैं। ओप्पो पे आने के बाद उसमें भी सेम प्रोसेस है। तो आप यहाँ पे रिमूव डाटा, वाइप डाटा सेव फॉर्मेट पे कर सकते हो। तो यहाँ पे चलते हैं रियल मी पे। रियल मी पे देख सकते हैं इतना सारा मॉडल है। तो रियल मी पे भी इतना सारा मॉडल है रियल मी। और यहाँ पे आसूस का यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 मॉडल दिया गया है जो मीडिया टेक का है। तो ये भी सेम प्रोसेस है। आपको यहाँ पे जो भी आपका मॉडल सिलेक्ट करके आपको FRP है या फैक्ट्री रीसेट जो भी है, तो अनलॉक बूट लोडर कर सकते हो, रीलॉक बूट लोडर, फॉर्मेट डाटा कर सकते हो, FRP इरेस कर सकते हो, रिस्टोर MMC ऑड, और यहाँ पे ब्रो मोड फॉर्मेट डाटा इरेस ब्रो मोड पे भी, यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे ब्रो मोड का भी है और यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन दबा के भी आप कर सकते हो। तो चलते सैमसंग में। सैमसंग में देख सकते इतना सारा मॉडल है। सैमसंग में भी सेम उसी तरह आप कर सकते हो अनलॉकिंग जो भी है। यहाँ पे मेजू मेजू का भी यहाँ पे बहुत सारा मॉडल है। हवाई का भी यहाँ पे दिया गया है। हवाई का भी बहुत सारा इसके अंदर मॉडल दिया गया है जो मीडिया टेक का है वो सारा। तो
यहाँ पे नोकिया का भी देख सकते हैं, नोकिया का भी यहाँ पे दिया गया है, नोकिया वन प्लस, नोकिया 2.3, नोकिया 2.4, नोकिया 3, नोकिया 3.1, 3.1 प्लस, नोकिया 5.1। तो जो भी आपका मॉडल है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट जो भी है, बूट लोडर अनलॉक रीलॉक, तो इसके अंदर आप कर सकते हैं यूज। तो यहाँ पे इन्फिनिक्स में चलते हैं, इन्फिनिक्स में यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा मॉडल दिया गया है इन्फिनिक्स में, S5 है, स्मार्ट प्लस है, बहुत सारा इसके अंदर भी मॉडल दिया गया है। और यहाँ पे मेटा मेटा मोड, मेटा मोड पे यहाँ पे देख सकते हैं इन्फिनिक्स का भी यहाँ पे बहुत सारा दिया गया है। और चलते हैं मीडिया टेक, यहाँ पे मीडिया टेक के अंदर यहाँ पे आपको मीडिया टेक के अंदर आप यहाँ पे इरेस FRP कर सकते हैं, इसके अंदर फ्लैश कर सकते हैं, यहाँ पे ऑथ बाईपास कर सकते हो और यहाँ पे फॉर्मेट डाटा कर सकते हो। और यहाँ पे जो DA फाइल है, DA फाइल इसके अंदर आप डाल के आप यहाँ पे अनलॉक जो भी है मतलब फ्लैश कर सकते हो इसके अंदर। बस इतना ही इसके अंदर सपोर्ट दिया गया है जो मीडिया टेक का है। और यहाँ से आप क्लिक करोगे तो आपका डिवाइस मैनेजर भी यहाँ पे साइट में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डिवाइस मैनेजर पे आप चेक करके देख सकते हैं फ़ोन आपका कनेक्ट हुआ नहीं हुआ। तो इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पे ओप्पो, वीवो, रियलमी, आसूस, सैमसंग, मार्जू, बहुत सारा इसके अंदर मॉडल दिया गया है। इस टूल को आप इजीली फ्री में यूज कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको क्लिक करके आपको ये टूल मिल जाएगा, वेबसाइट पर पहुँच सकते हो।